शाहिद कपूर साहब की जब से दोस्तों फिल्म कबीर सिंह रिलीज हुई है और इसने सक्सेस के पायदान पर अपना नाम अलग ही तरीके से दर्ज कराया है, तब से हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज सामने आ रही है, शाहिद कपूर, शाहिद कपूर, शाहिद कपूर। और शाहिद कपूर क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अंदर कबीर सिंह बनकर जो जानदार एक्टिंग की है उसके सभी लोग मुरीद हो गए हैं। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब शाहिद कपूर के भाग्य में एक और रिमेक फिल्म आने वाली है जो कि नानी की सुपरहिट फिल्म है। कौन है ये नानी, आइए बताता हूं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बताना चाहता हूं दोस्तों कि करण जौहर साहब ने जर्सी के राइट्स खरीद लिए हैं तेलुगु फिल्म जिसमें साउथ के सुपरस्टार नानी थे दोस्तों, और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, साथ ही साथ एक इमोशनल एंगल के साथ थी। करण जौहर साहब ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं और करण जौहर इसे प्रोड्यूस करने वाले हैं, और खबरें ये भी आ रही है कि शाहिद कपूर को उन्होंने फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि नानी ने जिस तरीके से जर्सी में काम किया था, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी, साथ ही साथ एक इमोशनल पर्सन की भूमिका निभाई थी, शाहिद कपूर साहब उस फिल्म के अंदर होते हैं अगर तो कितना जादू बिखेरेंगे। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके की चटपटी बातें आपको बताता रहूंगा। हाँ हो रहा है, आप हैं उसमें शामिल? मुन्ना है तो फिर मैं कहाँ से हूँ? मुन्नी चेंज हो गई इस बार? मुन्नी तो मैं थी नहीं कभी। पूछा यार कोई। ओके सोनाक्षी, यू नो जब हम रिमिक्स और रेट्रो की बात करते हैं तो अभी तो उसका जमाना ही है, ट्रेंड है, चाहे वो लुक हो या फिल्में हो, रिमिक्स वगैरह सब। लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहती है रेट्रो के टाइम की अब वापस रिटर्न आए? मुझे रेट्रो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, एंड आई थिंक एक्चुअली वो चीज़ें भी आ गई है वापस। हम बहुत सारे गानों का रीमेक भी कर रहे हैं, एक रीपैकेज करके, रीमिक्स करके आज के जनरेशन को सुना रहे हैं, तो वो आई थिंक आई रियली लाइक दैट ट्रेंड। और मैं खुश हूँ कि कुछ कुछ गाने जो शायद आज की जनरेशन ने नहीं सुना हो वो टाइम के, वो वापस लौट कर आ रहे हैं। सो आई लाइक दिस ट्रेंड दैट इज़ रिटर्न। वेरी वेरी नहीं, वो स्पेक्यूलेशन जारी रहेगा, बट ऑफकोर्स एक अलग स्टोरी है, अलग कैरेक्टर्स भी आएंगे इस फिल्म में। हम आपको बार बार वही नहीं देना चाहते जो आप पहले देख चुके हैं, तो बहुत ही नई चीज़ें आएंगी और बहुत ही धमाकेदार, बट डोंट वरी, दबंग दबंग ही रहेगा और बहुत ही मज़ेदार रहेगा। हाँ जी, टॉकिंग अबाउट द आइटम सॉन्ग्स इन द दबंग सॉन्ग्स तो बहुत ही फेमस रहे हैं, चाहे वो पार्ट वन हो या पार्ट टू हो, इस दबंग थ्री के आइटम सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस अंदाज में आने वाला है दबंग थ्री का? आई थिंक अगेन इट विल बी वेरी 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 फन, बिकॉज वो एक वो एलिमेंट हो था ही हमारे फिल्मों में, दबंग के सीरीज़ में, जहाँ पर एक आर्टिस्ट आते हैं और यू नो दे डू द सॉन्ग फॉर द फिल्म। सो आई थिंक यहाँ भी इट बी लॉट ऑफ फन, और क्योंकि ये बार मुन्नी नहीं है, मुन्ना है, आई थिंक और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। एक लास्ट पक्का प्रॉमिस, फिर आप मुझे जाने दोगे? हाँ जी जी, दर्शकों के मन में आप हमेशा रहेंगे, ऐसे कभी नहीं जा पाएंगे। थैंक यू, वाह, आपको डायलॉग राइटर होना चाहिए था। द गोल्डन कलर, सोना कलर इज ऑलवेज फेवरेट विद यू, है ना? यू ट्राई टू इमिटेट इट, क्योंकि हमने कई बार देखा है आपको इस कलर में। जी, क्योंकि मैं हुई असली सोना। माशाल्लाह।